हेलो भारत, मैं आनंद अनिश। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेपर पर। तो मैं आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला जो कि 5 जनवरी 2021 को पूछा गया। और क्यों इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, और कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं वो डिस्कस करना मेन इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं। तो पहला जो आपका फुल फॉर्म पूछा गया है 5 जनवरी में, तो वो है फुल फॉर्म ऑफ CSS। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो कास्केडिंग स्टाइल सीट, इसका फुल फॉर्म। तो कोई भी हम ऑप्शन में होगा तो हम चूज कर सकते हैं। मान लेते हैं ऑप्शन ए में कास्केडिंग स्टाइल सीट, तो ये आपका आंसर हुआ। तो जितने भी फुल फॉर्म में रिलेटेड एग्जाम से वो आप पढ़िए अच्छे से। फिर दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, शेड्स ऑफ सैफ्रॉन इज रिटन बाय, तो शेड्स ऑफ सैफ्रॉन किससे लिखा जाता है, तो शाबा निकवी से। तो कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, बी में हो तो साडा निकवी, तो ये आपका उत्तर होगा। तो ये सब रिलेटेड है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, हु इज द सीएम ऑफ गोवा, तो सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा कौन है, तो पवन सावंत है। तो आपका ऑप्शन ए में हो सकता है, तो सीएम याद कर लीजिए, गवर्नर याद कर लीजिए, सब चीज याद कर लीजिए। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो टेंपल से रिलेटेड है कि ये कहां सिचुएटेड है, तो ये बृंदेश्वरा टेंपल कहां सिचुएटेड है, तो बृंदेश्वरा टेंपल आपके तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो जो बहुत सारे जो फेमस टेंपल है उसके सिचुएटेड ये कहाँ है उनके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये बृंदेश्वरा टेंपल कहाँ है आपके तमिलनाडु में, तो मान लेते हैं ऑप्शन डी में होगा, तो ऑप्शन डी को हम चूज करेंगे, और जिसमें होगा आपका तमिलनाडु। तो ये सब टॉपिक से पूछा जा रहा है। फिर आपका अगला जो है, फिर ये फुल फॉर्म से, तो फुल फॉर्म ऑफ लिफो, LIFO, तो इसका आंसर है लिस्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट आपका इसका उत्तर है। तो लास्ट इन, तो ऑप्शन सी में हो सकता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो बहुत सारे चीजों का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और हु लेड द खलीफत मूवमेंट, तो खलीफत मूवमेंट को किसने चालू किया था, तो मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने चालू किया था। तो जो भी उत्तर में होगा, तो मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, तो ऑप्शन बी में हो सकता है या ए में, किसी में होगा तो हम चूज करेंगे जब पढ़े होंगे, तो मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो बहुत सारे मूवमेंट से भी क्वेश्चन पूछे रहे हैं, जितने भी मूवमेंट है, पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, सब चीज के, और रिवॉल्ट है, वो सब सारे चीज के मूवमेंट को कौन कौन उजागर किया था उनके बारे में हर चीज पढ़ लीजिए। फिर व्हेन इज ब्लड डोनर डे, तो ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है, तो ये रिलेटेड है आपके डे से, कौन से महीने में कौन कौन सा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल या नेशनल। तो ब्लड डोनर डे है 14 जून को, तो ऑप्शन सी में हो सकता है आपके उत्तर हो, तो 14 जून को हम लोग चूज करेंगे। तो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं दोस्तों, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी, तो फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी क्या है, फाइल ट्रांसफर पोर्टल, तो आपका ऑप्शन डी में हो सकता है, तो फाइल ट्रांसफर पोर्टल। फिर आपका फुल फॉर्म है, बहुत सारे फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, हर एक सीक्रेट में एक या दो फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं। तो अगला जो आपका फुल फॉर्म है वो है CAA, तो कंप्यूटर असिस्टेड अकाउंटिंग। तो बहुत सारे जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वो फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, तो CAA का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड अकाउंटिंग, तो ऑप्शन ए में हो सकता है, तो हम लोग चूज कर लेंगे कंप्यूटर असिस्टेड अकाउंटिंग।
फिर अगला आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया, तो सबसे जो ओल्डेस्ट डैम है वो कौन है, तो काला नाई डैम है, तो काला नाई डैम है आपका ओल्डेस्ट, तो ऑप्शन बी में हो सकता है, तो काला नाई डैम, तो ओल्डेस्ट डैम इंडिया का माना जाता है, तो काला नाई डैम, तो ये आपका उत्तर हुआ। फिर आपका गवर्नर पूछा, मैंने पहले भी बोला कि गवर्नर और सीएम के बारे में हर चीज के, बजट के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, हर चीज के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र कौन है, भगत सिंह कोठियारी है, तो भगत सिंह कोहियारी है आपका, तो ऑप्शन सी में हो सकता है, भगत सिंह तो ये सब। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किससे रिलेटेड है आपका, सबसे पहला है गवर्नर पढ़ लीजिए, सीएम पढ़ लीजिए, फिर फॉरम पढ़ लीजिए, फिर टेंपल के बारे में पढ़ लीजिए, फिर इंटरनेशनल डे के बारे में पढ़ लीजिए, फिर नेशनल डे के बारे में पढ़ लीजिए, ये सब सारे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक बटन को दबा दें और दोस्तों को ज्यादा शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। Thank you.